पानी पूरे जहाज को एक साथ कनेक्ट करके और यहाँ से जहाज को आगे मूव किया जाता है। पानी ही पानी और पानी के ऊपर हम It is 5 a.m. We are at the way of Diu. Diu, you know, Daman and Diu, Wala Diu. It is 200 kilometers away from now. So, बहुत टाइम लगने वाला है बिकॉज रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, रोड सही नहीं है। इट्स डे 3 एंड हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन होने वाला है वो अंदर गोली अंदर गोली बेटा मस्ती ले गजब बेइज्जती है। ये है कच्छ का गरिहार। नॉर्मल लैंग्वेज में मीठा खजूर बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में खड़ियार बोलते हैं। एंड काफी टेस्टी है और ये कच्छ का है। अभी अपने बोर जैसा ही है। हाँ, राजस्थान में जो बोर होते हैं ना उनके जैसा ही है। मीठा है। अभी हम लोग होटल सर्च कर रहे हैं। होटल में हम लोगों ने 2-3 होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं, वहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे कैसा सीन है कैसा नहीं है। तो अभी जो पापा वगैरह हैं होटल सर्च करने गए हैं एंड हम लोग यहाँ पे कार में बस में किए, तो वो आएंगे देन वी विल गो टू द बीच। अभी हम लोगों ने होटल ले लिया है, होटल का नाम है द प्रेसिडेंट एंड रूम अलॉट हो चुके हैं। छोटू सा टाइनी सा रूम है, कांचे की तरफ है, फ्री। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये फ्रीज काम करता है। एंड इफ यू सॉ उधर साइड में ओशन का भी देखने को मिल रहा है। एंड दिस होटल एंड दिस होटल है वो तो शी इज माई मासी इज डॉटर। वो सेपरेट बाथरूम एरिया है सामने की तरफ। तो दीव बहुत छोटू सा है तो इस वजह से सारे होटल पास पास है, बिकॉज मैंने नेट पे इतने भी होटल्स देखे थे ना, सारे मुझे इधर आस पास देखने को मिल रहे थे। हेलो, सो वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस हियर। हियर वी हैव द सी साइड। सामने जो है वो नेवी का जो वो दिख रहा है, वी विल गो देयर एंड वी विल वॉच इट लेटर। मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूं। अच्छा, नागौर। नागौर इसमें शासन किसका चलता है, मतलब गुजरात का नहीं चलता ना? नहीं, गुजरात का नहीं चलता, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या पीछे वहाँ पे बहुत प्यारी फोटो आई है। वहाँ देखने चलेंगे सनसेट तो सनी। अरे इधर आजा तू, तो वो डूबा हुआ इंसान इधर आजा।
चलो इधर आजा मेरे पास, आजा 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 मेरे पास, आजा गोली इधर आजा, गोली यू हैव टू परचेज अ टिकट ऑफ 100 rupees टू गो इनसाइड देयर, वहाँ पे है एक सुंदर सा गार्डन जहाँ से हमने एंट्री नहीं लिया, एंड वी विल गो इनसाइड बाय दिस रूट, दे विल चेक आवर टिकट्स, और मौसा जी हमको लेते जाते हुए अरे पूरा दिखा दें कैप्टन चलो यहाँ पे ये साइड में सी व्यू है ही सही, इतना बड़ा सारा है कि एक बार में मेरे फोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। एंडी शिप का पीछे वाला पोर्शन है, सारी रस्सी वगैरह अच्छे अच्छे से यहाँ पे लाइट जो हमको जलती हुई दिखती है शिप्स के अंदर, इतनी मोटी मोटी रस्सी भाई इनको उठाता कैसे सको। ऐसे भैया थैंक यू, आपने बहुत अच्छी हेल्प करी हमारी, आपका नाम पंकज जी, ओके ओके, तो आप भी यहाँ पे कंफर्म विजिट करना, ओके यहाँ पे ये सर्विस करते हैं एंड ये आएंगे तो आपकी भी कंफर्म हेल्प करेंगे आपने होते तो हमें पता भी नहीं चलता इतनी सारी आपने एक एक चीज़ के बारे में, ऊपर और भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो फिर ऊपर चलते हैं। तो ये है यहाँ का हेलीपैड, वैसे यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, कल जब रनिंग में था तो कोई इमरजेंसी के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते थे, ओके तो यहाँ पर वगैरह थे वो लैंड करते थे, मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो यहाँ पे लैंड करते थे, AK-630 गन्स वगैरह यूज होती थी जिसका पूरा ये दे रखा है। ये है हेलो डेक, यहाँ से अंदर से तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे इस तरीके से सो पूरा का पूरा ऑपरेट किया जाता था। ये सारी गन्स वगैरह, अच्छा इसके ऊपर और भी है, हाँ ओके ओके ओके, अपना डूबने लगा इसको पूरी तेज पानी में फेंका जा सकता है, फेंकने से अपने आप वो नाव बन जाती है, अच्छा एक एक टैंक के अंदर 20 आदमी जा सकते हैं। एंड दिस इज द कैप्टन रूम, मेरे जानकारी चाहिए सबसे ज्यादा मिल जाएगी, ओके ओके, हेलो सर, सो अभी हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करी हर एक चीज बताने में, कैप्टन वहाँ बैठते हैं, ओके उस जगह पे, और यहाँ पे क्वार्टर मास्टर बैठते हैं, ओके असिस्टेंट ऑफ क्वार्टर कैप्टन, ये ब्रिज बोलते हैं इसको, ब्रिज बोलते हैं चारों तरफ से जो पुल को बोलते हैं ना पुल, उसे ब्रिज है ये, ओके पूरे जहाज को एक साथ कनेक्ट करके और यहाँ से जहाज को आगे मूव किया जाता है ड्यूरिंग द सेलिंग पीरियड, ओके ओके, अभी ये जहाज मूव नहीं होगी, अभी ये टूरिज्म शिप बन गई है, हाँ अभी उन्होंने बताया कि अभी ये रिटायर हो चुकी है, ओके आप कहाँ से आए हो बेसिकली? हम जयपुर राजस्थान से, जयपुर से, नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कैसा लगा शिप विजिट आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फर्स्ट वार्शिप है जो की मतलब सकता हमारे घर में, फर्स्ट वार्शिप है जो कि मतलब इसको म्यूजियम में रखा गया है, हाँ वैसे तो नष्ट कर देते हैं इसको, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इसको म्यूजियम बना के रखो ताकि जनता भी देख सके हमारे और हमारे भाई बहन देख सके इसको। ये रहता था विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम और कुछ पूछना है? नहीं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नहीं आप लोग आए हो तो हिला रहे हो ऐसा लग रहा है क्या? नहीं आप आए हो तो हिला रहे हो जहाज, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे जहाज हिल रही है, वैसे जहाज नहीं हिलती है, कुछ दिखी नहीं
ऊपर से हटाना पड़ता है। बुरा बताना नहीं नहीं, यही तो लग रहा है। सो ये हमारे कैप्टन का प्लेस। ये कैप्टन नए आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे नए कैप्टन। नए कैप्टन कुकी के पापा सुभाष जी मित्तल यहाँ पे बैठे हुए हैं। पापा का फेस रिवील होते हुए इसी के साथ मेरे चैनल पे। इससे पहले पापा का फेस रिवील नहीं था। तेरा ऊपर चेहरा तू नीचे से पड़ गई। ये है हमारी शिप का फ्रंट पार्ट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी, एंड वी विल गोना एग्जिट फ्रॉम हियर। सो अभी का प्लान कुछ इस तरीके का हो रहा है कि अभी हम लोग सिर्फ खाना खाएंगे, देन वी विल गो टू द बीच वॉक। एंड उसमें भी ऐसा है कि अगर थक गए तो नहीं जाएंगे, बिकॉज थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आप देख रहे हो डे थ्री एंड हम स्टार्टिंग से सिर्फ ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंड अभी कोई अच्छा सा स्टॉपेज मिला है। सो हम लोग अभी जल्दी से सोएंगे एंड सुबह बीच पे जाएंगे, थोड़ा बहुत नहाएंगे वहाँ पे, थोड़ा बहुत नहाएंगे धोएंगे। नहाना धोना शायद यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे अभी राइड्स वगैरह कुछ भी वो नहीं है, बिकॉज अरेबियन सी की अभी टाइड्स आई हुई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी सब कुछ बंद हो रहेगा। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि अगर हमको कोई प्लेस मिल जाती है जहाँ पे हम लोग सुबह जा पाए, देन वी विल गो टू द दीव फोर्ट, एंड उसके बाद हम हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे। सो या अभी हम लोग ऑर्डर करते हैं। और सबसे मेजर बात जो यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट बहुत कम है। हमें अभी तक सिर्फ दो ही प्योर वेज रेस्टोरेंट मिले हैं। सबसे पहले सबको, हाँ वो भी आसपास ही है, पहला है रसोई एंड दूसरा है होटल अपार का प्योर वेज रेस्टोरेंट। उसका जो मेन्यू है वो हमारे पास आ चुका है, सो हम भी हम उसमें से कुछ ऑर्डर एंड देन वी विल हैव ऑल दीस थिंग्स। बिल्कुल पानी और पानी के बीच में बैठे हैं हम लोग, और हम बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। डुबो चुनो फ्लैश, थैंक यू। पीछे पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी, उधर भी पानी, सामने भी पानी, बस पानी ही पानी, और हम पानी के ऊपर, पानी के ऊपर हम।